रतलाम जिले की सभी तहसील रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण, सेलाना, बाजना, रावटी, जावरा, पिपलोदा, आलोट व ताल में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। संपर्क नंबर है 9425046807। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा में विकास यात्रा के दूसरे और अंतिम दिन विधायक राजेंद्र पांडेय का संबोधन के दौरान मंच पर छलका दर बिना नाम लिए विरोधियों पर बरसे। बोले, 8 साल तक नगरपालिका अध्यक्ष रहे, कलम चलाने के सारे अधिकार रखे पर कलम नहीं चलाई, खुद की कॉलोनी को भी विकसित नहीं कर पाए और दोष राजेंद्र पांडेय पर डाल दिए। खुद 8 साल नगरपालिका में रहे, कुछ नहीं कर पाए। दरअसल भाजपा विधायक राजेंद्र पांडेय यही नहीं रुके, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए बोले कि मुझ पर आरोप लगाते हैं कि मैं राजनीतिक दृष्टि से काम कर रहा हूं, जबकि जिनको उंगली पकड़कर मैंने चलना सिखाया वो मुझ पर आरोप लगाते हैं, जबकि मेरी उंगली पकड़कर जनता का विश्वास लेकर 5 साल नगरपालिका में उपाध्यक्ष रहे, 8 साल अध्यक्ष रहे, नगर पालिका में अधिकार की कलम लेकर बैठे रहे, वे कलम चला नहीं पाए और अन्य कॉलोनियों को विकसित करने के साथ साथ वे खुद की कॉलोनी को ठीक नहीं कर पाए, तो इसमें राजेंद्र पांडेय का दोष कहां से आ जाता है? राजेंद्र पांडेय का दोष कैसे उत्पन्न हो जाता है? टीम भारतीय न्यूज से कड़ी कार्रवाई करते हुए वह विकास शुल्क जमा करवा करके वह विकास करने के साथ साथ में सारे डेवलपमेंट के जो कार्य है जो नगर पालिका परिषद विगत साल भर से कह रही, 1.5 साल से कह रही है, हम बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बन रहा है, प्लानिंग बन रही है, कार्य कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, जा करके जब मेरा कार्यकर्ता, जा करके जब मेरा समर्थक, जा करके जब मेरा सहयोगी, जा करके उस विचारधारा को, उस राष्ट्रीय विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति उन परिवारों में जा करके खड़ा होता है, उसे वहां पर शर्मिंदगी महसूस होती है, उसे सर झुका करके वहां पर बात करना पड़ता है। ये शर्मनाक स्थिति अगर बदली जाएगी तब मुझे लगेगा कि जावरा नगर में हमने ठीक ढंग से विकास किया है, तब हमें लगेगा कि हमने जावरा नगर को सही दिशा देने का काम किया है। आखिरकार किस बात का भय है? आखिरकार किस बात का संकोच है? आखिरकार क्यों हम असहाय से खड़े हो जाते हैं? क्यों ना उन भाइयों को पूर्ण कर दिया जाता है? मुझ पर आरोप लगाया जाता है, मेरे बारे में कहा जाता है कि मैं राजनीतिक द्वेषता से काम कर रहा हूं, जिनको उंगली पकड़ करके चलाना मैंने सिखाया वे मुझ पर आरोप लगाते हैं। जो लोग मेरी उंगली पकड़ करके जनता का विश्वास लेकर के, जनता का आशीर्वाद लेकर के 5 साल उपाध्यक्ष के रूप में, 8 साल तक नगरपालिका अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर नगरपालिका परिषद में वो सारी अधिकार की कलम लेकर के बैठे रहे और कलम चला नहीं पाए, अन्य कॉलोनियों के विकसित करने के साथ साथ में खुद की कॉलोनी को ठीक नहीं कर पाए, तो वह राजेंद्र पांडे आखिरकार कहां दोषी हो जाता है? राजेंद्र पांडे में कहां से दोष उत्पन्न हो जाता है? इस बात के लिए मैं प्रेरित करना चाहता हूं, इस बात के लिए मैं उद्वेलित करना चाहता हूं। हमारा पूरा फ्लाईओवर का काम रुका हुआ है, असहाय हो गया प्रशासन, वहां पर हाईकोर्ट में चले जाते हैं, उस पर भी बात जाकर के वहां पर किसी भी तरह का आवेदन दे देते हैं, वहां पर जाकर के बार बार कार्रवाई को लंबित कर देते हैं। जिस प्रीमियर आई मिल का आज दिनांक तक स्वामित्व का निर्धारण नहीं हुआ, वह स्वामित्व किसका है? स्वामित्व का निर्धारण नहीं हुआ। जब स्वामित्व का निर्धारण नहीं हुआ और शासन और प्रशासन के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है हम कंडीशनल काम करना चाहते हैं, हम सशर्त काम करना चाहते हैं, जिसका भी स्वामित्व घोषित होगा, जिसका भी स्वामित्व सिद्ध होगा, जिसका भी स्वामित्व न्यायालय के द्वारा में दिया जाएगा, उसे मुआवजा दिया जाएगा, उसके बावजूद भी अगर काम में अवरोध पैदा किया जाता है तब जाकर के मन में पश्चाताप होता है कि आखिरकार हमने कौन सा गुनाह किया है, हमारी कहां पर कमी रह गई है, हमारी कहां पर गलती हो गई है। आज जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम सशक्त भारत की कल्पना कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने इस प्रदेश में खुशहाली लाने के लिए Subscribe now to most exciting channel ever.